चलो फिर देखो ठीक क्या तुम लोग क्या बताया था तुम लोग को अनंत लंबाई के तार के लिए बताया था ठीक है उसमें क्या निकला था ई का मान ये निकला था ठीक है अब चादर के लिए करना है ठीक है तो चादर में क्या होगा तुम लोग का चादर में क्या होगा लंबाई भी रहेगा और चौड़ाई भी रहेगा और एक ही तार बोला था उसमें क्या था सिर्फ लंबाई ठीक है लेकिन इसमें क्या होगा दोनों होगा ठीक है तो ये देखो ये क्या है दोनों का चादर ठीक है क्या है चादर ठीक है क्या है चादर जिसके सभी दिशा में क्या है धन आवेश क्या है धन आवेश अब एक बात बताओ चादर का कितना परत रहता है दो परत रहता है आप आगे पीछे रहे ठीक है ऊपर ऊपर नीचे कर देते ठीक है आगे पीछे दो परत होगा होगा कि नहीं होगा ऐसा रखेंगे दो ठीक है तो इसमें मेरे को पहले सबसे पहले पद्धति में अल्प वाला ज्ञात करना है अल्प यहाँ छोटा सा भाग में इसको ये संपूर्ण क्या है तुम लोग का एस क्षेत्रफल का चादर ठीक है इसका मैं छोटा वाला क्या लेता हूँ डी तो इसका दो परत रहेगा एक क्या होगा पीछे की ओर होगा पीछे की ओर होगा और एक क्या होगा तुम लोग का आगे की ओर होगा कि नहीं होगा 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 ठीक है इसको ऐसा मान सकते हो डी एस वन और डी एस टू ये आगे की ओर या पीछे की ओर होगा ठीक है अरे ये मेरा हाथ इसे अगर मैं ऐसे इसको मैं क्या बोलते गोला मार दूंगा वैसे पीछे भी गोला पड़ेगा तो ये क्या होगा आगे का भाग ये पीछे भाग तो इसका छोटा भाग नहीं हो ये आगे की ओर और पीछे की ओर ठीक है अबे नजदीक करो ये बात ये है ठीक है ये क्या है इधर कागज रख दिया पीछे कागज ठीक है मेरे पूरा अगर मैं कहाँ ये कागज होगा ये देखो ओ गजे दो गजे दो ठीक है ये क्या है तुम का ये क्या है चादर क्या है चादर तो इसमें क्या दो परत होंगे इतना इतना क्षेत्र में क्या ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स इतने क्षेत्र में क्या ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स तो पीछे भी होगा क्या वही क्षेत्र ये पूरा इतने ज्ञात करना है मेरे को दोनों तरफ से ज्ञात करना है ना इतने का पूरा संपूर्ण चादर का मिलेगा तो ये पहला परत दूसरा परत दोनों को निकालना है मेरे को एक साथ ठीक है तो इतना परत ज्ञात कर लूंगा दोनों तरफ का पूरा चाहिए मेरे को उसी का क्या क्या हो ये डेढ़ डेढ़ क्यों ये क्या पीछे परत के लिए और ये आगे परत के लिए ठीक है अब यहाँ पर देखो ध्यान से इसमें तो शुरू में क्या लिखना पड़ेगा थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ता है क्या लिखना पड़ता है थ्योरी क्या माना माना ए क्षेत्रफल का क्या है का क्षेत्रफल का चादर चादर है ठीक है जिससे जिसका संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्या है संपूर्ण पृष्ठ एस ठीक है संपूर्ण पृष्ठ क्या है एस यदि 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 इसके इसके संपूर्ण इसके संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ में धन आवेश क्या धन आवेश उपस्थित क्या है धन आवेश उपस्थित है ठीक है धन आवेश उपस्थित अब देखो यहाँ पर धन आवेश उपस्थित है किसी से क्या निकलेगा तुम लोग का दोनों दिशा में विद्युत फ्लक्स निकलेगा दोनों दिशा में निकलेगा नहीं निकलेगा विद्युत फ्लक्स निकलेगा निकलेगा विद्युत फ्लक्स निकलेगा नहीं निकलेगा निकलेगा पाई ई ठीक है तो जिस दिशा में विद्युत फ्लक्स नहीं कर रहा उसी दिशा में क्या निकलेगा तुम लोग का विद्युत क्षेत्र भी होगा ई होगा कि नहीं होगा तो ई का भी दो दिशा रहेगा इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा विद्युत फ्लक्स का भी वही रहेगा तो तुम लोग को ना निकालना निकालने के लिए क्या करोगे दोनों जोड़ दोगे दोनों परत का ठीक है कैसा देखो इधर क्या है तुम लोग का संपूर्ण पृष्ठ में क्या है धन आवेश उपस्थित है ठीक है जिससे 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 या जिस जिसके लंबवत लंबवत
क्या निकल रहा है? विद्युत विद्युत फ्लक्स फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है? क्या निकल रहा है? विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक। यदि यदि एकांक एकांक पृष्ठ, क्या बोला मैं? एकांक पृष्ठ, एकांक पृष्ठ को क्या बोल दिया? पी बोल दिया, एकांक पृष्ठ पी पी एकांक एकांक पृष्ठ डी एस, ये लिख लो एकांक पृष्ठ डी एस में, ठीक है, डी एस में उपस्थित 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 विद्युत फ्लक्स की मात्रा, विद्युत फ्लक्स की फ्लक्स की मात्रा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से कितना, जैसे तुम्हारा एक पूरा हेयर है, पूरा बाल सिर, अगर मैं छोटे से बाल को पता चले कितना बाल निकलता है तो संपूर्ण ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है, रैंडम बोल रहा हूँ। अभी क्या है, ये छोटे से बाल से क्या निकल रहा, विद्युत फ्लक्स, तुम्हारा जहाँ जड़ से निकल रहा हो, जड़ का विद्युत क्या मानो आवेश, वहां से क्या निकल रहा है तुम लोग का बाल, बाल क्या मानो विद्युत फ्लक्स, तो ये क्या निकल रहा है यहाँ से, विद्युत फ्लक्स को निकल रहा है ऐसे, ठीक है, विद्युत फ्लक्स लंबवत निकलेंगे ना, तो इतना क्षेत्र का पहले ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है तुम लोग का अल्प है, तो यहाँ पास क्या होगा, अल्प विद्युत फ्लक्स, अल्प विद्युत फ्लक्स क्या निकलेगा तुम लोग का, क्या निकलेगा तुम लोग का अल्प विद्युत फ्लक्स, डीएस डी फाइव ई इक्वल क्या होगा तुम लोग का, देखो यहाँ पर ध्यान से, तुम लोग का ई डी एस होगा, ई डी एस, ठीक, ई डी एस होगा, रुकना, वेक्टर को पहले हटाओ तो क्या होगा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा का होगा, तो ये बता तुम लोग का विद्युत क्षेत्र और फाई के मध्य कितने कोण बन रहा है, जीरो का बन रहा है, थीटा इक्वल क्या होगा, तो जीरो, तो क्या होगा तुम लोग का EDS आएगा सीधा, EDS, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, cos थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा 0 इक्वल 1, ठीक है, तो d phi ये निकला है। अब तुम लोग एक बात बताओ, चादर में क्या होता है, चादर में या चादर में लंबा होता है, चादर में दो परत भी है, दो क्या होता है, दो परत, उसको दुगना परत होते हैं, ठीक है, दो परत होते हैं, तो यहाँ पर देखो दो परत होंगे तो क्या हो जाएगा, ये परत दो परत होते हैं, ठीक है, दो परत होते हैं, तो यहाँ पर दोनों तरफ के लिए क्या हो जाएगा, मान दुगना, ठीक है, ये क्या तुम लोग का सिर्फ एक परत के लिए निकला ना, एक परत के लिए निकला, आगे पीछे का, हाँ, दोनों परत दो परत होते हैं, अतः अतः दोनों परत में उपस्थित उपस्थित अल्प विद्युत फ्लक्स, अल्प विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अल्प विद्युत फ्लक्स डी फाई, ये क्या हो जाएगा डी फाई, अबे ये तो वही रहेगा, दोनों तरफ से निकाल रहे ना, ये क्या होगा ई डी एस प्लस ई डी एस, पहले परत के लिए पीछे वाले परत, ठीक है, तो ये क्या होगा तुम लोग का टू ई डी एस, ठीक है, ये है सम, तो इसमें क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग का, मैं क्या निकाल रहा हूँ, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए क्या होगा, फ्लक्स के लिए क्या कर दूंगा, समाकलन, तो समाकलन करूंगा, पृष्ठी समाकलन होगा ना, ये पृष्ठी समाकलन, और इसका भी क्या होगा, पृष्ठी समाकलन होगा, टू ही क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंक दो, ठीक है, डी एस ये क्या तुम लोग का, ये तो यहाँ पर मैं शुरू में क्या माना, माना एक क्षेत्रफल है, ठीक है, चादर का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा तुम लोग का, ए होगा, ठीक है, क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आयत है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, मतलब ए मान सकता हूँ, ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो ये पूरा संपूर्ण क्या है, शुरू मान दी हूँ, टू ई इक्वल क्या है, ए है, तो फाइव इक्वल क्या होगा, टू ई, समझे, इसको ए उसका क्षेत्रफल है, क्या है,
क्षेत्रफल, और ये पूरा क्षेत्रफल तो बता रहे कि नहीं बता रहे, ये क्या है क्षेत्रफल, ठीक है। अबे आया तो टू पाई आर उत्तर, आया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा चौड़ाई, यहाँ पास ए को तुम लंबाई गुणा चौड़ाई भी लिख सकते हो बाद में, लेकिन अब ए को सिर्फ ए लिखो, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या जानते हो तुम लोग, कुछ भी जानते, क्या जानते हो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या जानते हो, फाई के प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल क्या होता है तुम्हारा, क्यू अपॉन एफ, ठीक है। तो यहाँ पास क्यू का मान कैसे निकलेगा, ये उससे क्यू के मान के लिए बिल्कुल लिख लो, ठीक है। इसको क्या माना है, समीकरण एक, इसको समीकरण एक, इसको दो, ठीक है, ये करना, ठीक है। अब इसमें लिखना क्यू के मान के लिए, क्या करना, क्यू के मान के लिए मान, ठीक है। क्यू का मान क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पास किसके आधार पर पढ़ रहे हम लोग, पृष्ठी आवेश घनत्व, तो पृष्ठी आवेश घनत्व के अनुसार क्या होगा, परिभाषा से क्या होगा, सिग्मा बराबर क्यू बटा एल, सिग्मा इक्वल क्या होता है, क्यू बटा एल, क्या होता है, क्या होता संपूर्ण के लिए बोलूंगा, संपूर्ण के लिए ए रखते हैं, संपूर्ण के लिए ए ही होगा क्षेत्रफल, हां क्षेत्रफल, क्योंकि यहां पर संपूर्ण क्या माना, पाई माना होगा, क्षेत्रफल का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो यहां से क्यू का मान क्या मिलेगा, क्यू इनटू ए मिलेगा, इसको समीकरण क्या मान लो, 3, तो समीकरण, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, पाई का मान समीकरण एक बराबर समीकरण 4, समीकरण 1 व 4 क्या हो जाएगा, 1 और 4 से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल फाई, दोनों बराबर है, एक पाई का मान क्या है, 2EA है, और एक पाई का मान क्या है, सिग्मा, तो AA कैंसल, E का मान क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यही तुम लोग का एक अनंत आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है, इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, ये तुम लोग का मान आ गया, ठीक है। इसीलिए दो चादर का बताऊंगा, ये ऐसी दो चादर के लिए, ठीक है, उसका डबल का डबल है।